of a big boss. शाम 5:15 बजे अभी ये लोग काम कर रहे हैं, आधा अधूरा टास्क, आधा अधूरा सफाई, आधी अधूरी, मतलब किचन का वो छोड़ के जो किचन के लिए, उसके अलावा और कुछ साफ नहीं। चलो ना सफाई से ऊपर कुछ करते हैं। क्या सफाई सफाई सफाई, इसलिए क्योंकि घर से रिलेटेड है। बेले घूम रहे हैं अंदर के सारे, वो देखो मक्खियाँ मार रहे हैं। ये सब कोई जानती, ऋषि को भी जानती है? हाँ आई थिंक वो बात कर रही तो किशोर सुरेश को तो बहुत अच्छे से जानती है। टास्क ये है कि हमें इन दोनों, हमें इनमें से एक के नहीं दो को तोड़ना है ना। हम वेट नहीं कर सकते कि कब बजर बजे। हाँ। यार ये सफाई करके इनमें से कोई एग्जॉस्ट नहीं होता, पिछले 3.5 हफ्ते से यही कर रहे हैं। हाँ। सफाइयाँ, मैंने सुना आपकी दिगांगना के साथ लड़ाई हुई थी बाहर। 2 साल पहले किया, उसके लिए मैंने अभी ऑप्शन रखा हुआ है। क्या? वेजिटेरियन है, उसको बोलूँगा कि थोड़ा सा चिकन बनाए। इनको बाथरूम गंदे से प्रॉब्लम है ना बहुत। हाँ। टॉयलेट पेपर स्टफ करने से। हाँ। आपका जो मेंस बाथरूम है ना। हाँ। उसे स्टफ कर दो, टूथपेस्ट डाल दो। हमें कोई ऐसा बंदा चूज करना है जो वो काम ना करे। शाम 5:30 बजे क्या पूरा घर पे बिना जिप्पल का घूम रही थी? इतना काम आप जो भी ये ऐसे करो ना। यस बहुत खराब आती है वहां पे। अरे यार ऐसे क्या सफाई करते रहेंगे, नॉर्मल सफाइयां तो सब करते हैं। चल सीट पे, सीट पे। शैम्पू कहाँ है? शैम्पू बोल रहा है, सर्दी हो गई आपको। शैम्पू पूरे बॉल्स पे लगाते हो। नेल पर नहीं है यार? नहीं वही तो, आधा चीज़ तो है नहीं। नेल का तरह है नहीं। शैम्पू मत डाल, गीला हो जाएगा टिश्यू। ओके लेट्स गो, वो हम कभी और यूज़ कर लेंगे। एक मिनट थोड़े हाइड करना, मैं बस उनके ऊपर रख दे। लेट्स गो। दरवाजा बंद कर दे उधर का। ओके मुझे लगा पता नहीं क्या फेंक दिया। जल्दी चल। आप कैसे अंदर आ रही हैं? आप प्लीज बाहर जाइए, हमारा परफॉर्मेंस का टाइम है। पर ये हमारा भी बाथरूम है। पर हम देखने आ रहे हैं। क्या देखने आ रहे हैं? परफॉर्मेंस अभी। राइट नाउ। ओके लेट्स गो। शाम 6 बजे। ओह माय गॉड। क्या हुआ? दिस इज नट्स। व्हाट हैव दे डन? टूथपेस्ट निकाल निकाल के लगाया। अरे यार मैं भी लेकर आती हूँ, किसी ना किसी को साफ कर। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर टॉयलेट, देखा ये 7-स्टार होटल में ये 1-स्टार गेस्ट कहाँ से आए हैं? प्लीज आके देखो बाथरूम की क्या हालत की है। जस्ट कम और कोई आओ मेरे साथ साफ करने। मैंने प्रेडिक्शन दिया था पेपर, तू आके एक बार देख ले। एक सेकंड आ जा दीदी साफ करने। मैंने सही प्रेडिक्ट किया था ना? ऑब्वियसली आई सो बैडली न्यू इट। आपके काम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कौन करना है, बट कीपिंग होटल मेंटेनेंस के लिए मैं बात करूंगा इनसे। हां मैं बात करूंगा। खुशहाल खुशहाल आप अभी साफ कर दीजिए। ये सामान गिरना मत, कल इसके सूटकेस में मैं डालूंगा। खराब कर सकते वो हमारा होटल, कुछ भी कर सकते हैं। टास्क ओके चलो किसी चौल से है बॉयज वॉशरूम है, मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा हमारे रूल्स में बॉयज कर देते हैं। मेरे को और गीत को 10 मिनट दे दो। रमन जी यहाँ पे 10 मिनट दे दो। प्लीज वॉइस वॉशरूम बॉयज साफ करते हैं, तो वॉइस वॉशरूम खराब है तो हम बॉयज से साफ करवा सकते हैं। नेम आपको नाम बदलना पड़ेगा। घर का रूल है वो, होटल का नहीं है। क्योंकि आपका अगर आपका होता ये तो मैं करता, क्योंकि हमारे जो वर्कर्स हैं उनका वॉशरूम है। नहीं नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा वॉशरूम यूज करना है। लाइक दिस? हां हां पूरी वॉल के ऊपर बाथरूम में कर देंगे क्या?
चलो आप छोड़ो जाओ। एटलीस्ट गर्ल्स का लू ठीक है, कोई एक लू तो साफ छोड़ा है ताकि हम सब। किस कौन साफ कर रहा है? कौन साफ कर रहा है? आप किश्वर, आपका काश कौन? किश्वर। ओके और कोई? बस बस सफाई बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम ये है कि अभी ये शुरुआत हो गई है। मैं एक बात बताऊं, जब ये टास्क दिया गया था और ऋषभ चूज किया गया था तभी मुझे पता था कि ये थोड़ा टारगेट नहीं। तो इट्स वन सेकंड, एक सेकंड, आई नो, मुझे ही पता है। हाँ, तो अभी क्या है, ये लोग ने बाथरूम में क्यों किया? क्योंकि चीजें ऐसे साफ हो सकती हैं, ये उनके कारपेट बिग बॉस की नहीं गंदी कर सकते ना हम लोग, क्योंकि क्यों नहीं कर बिग बॉस वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक सेकंड, कारपेट कर सकते हैं ना, बिग बॉस उनकी मारेंगे, वो चीजें नहीं कर सकते जो परमानेंट रहने वाली। नाउ एक सेकंड, किश को बोलो एक घंटे तक यहाँ पर ही क्लीन करे, बाहर नहीं आनी चाहिए। और अगर बाय चांस बोलते हैं कि किश अब कोई नेक्स्ट काम करेगी तो बोलना आपने जो काम दिया था वो खत्म नहीं हुआ, चलने करेगी, ये चलता रहता है। नहीं नहीं उतने आराम से, अरे आप चिल करना ना, जब आने लग जाए तो अंदर जो से बोला सही बोला है, करेक्ट है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस होटल में जॉब करने क्यों आए? बीबी नाइन का होटल, इसका आंसर देने लाइन भी मैं नहीं हूँ। आपने पहले दिन बोला था कि आप डायरेक्टर बनना चाहती हैं तो आप लोगों को हैंडल कर सकती हैं। हाँ ऐसे ही लोग होते हैं दुनिया, लेकिन मैं समझ गई कि मैं हैंडल नहीं कर सकती। तो तुम अपना ड्रीम छोड़ दोगी? करूँगी कुछ ना कुछ, तो हैंडल कर लो ना। शाम 7:15 बजे डिनर के लिए मेन्यू क्या है? मेन्यू में क्या है? इंडियन है, इटालियन है और चाइनीज है। एक पास्ता प्लीज, वाइट सॉस में, और एक चिकन एक्चुअली दिगी, इंडियन चिकन डिश, और क्या ऑर्डर कर रहे हैं? चाइनीज, तो चाइनीज ही होना चाहिए। हाँ तो एक चाइनीज चिकन की, तो आप नूडल्स बनाइए जी, आप चिकन अगर आप चाहें तो, मैंने का पेडिगर आपका नहीं, वो नॉन वेजिटेरियन है, वो मैं वेजिटेरियन हूं। वन सेकंड, आप वेजिटेरियन हो? हां। ओके, तो चिकन आपको बनाना पड़ेगा विदाउट ग्लव्स, और आप नूडल्स बनाएंगे, और युविका जी आप दोनों को मदद कर सकती हैं सिर्फ बताने में कि कैसे बनाना है। और पास्ता कौन बना रहा है? कीत, कीत, क्योंकि कीत के हाथ में जादू है। आप चिकन बना सकती हैं? एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ, सो मैं चिकन नहीं बना सकती, लेकिन हम चाहते हैं कि आप चिकन बनाएं। खाने लायक ही नहीं होगा, लेकिन बिना उसके मतलब ग्लव्स के बनाएं, रबर का स्मेल नहीं आना चाहिए। रबर का स्मेल आपको खाना नहीं है, आपको सिर्फ उसका भरम तोड़ना है, क्यूरेशन में कोई काम क्यों ले गया आपसे? चलता है खाने से रिलेशन छूटता है, कभी छूने से नहीं होता। हम जिंदा इंसान जिंदा जानवर को नहीं पकड़ते प्रिंस, अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के तो इतना बोल देगा ना, तो उधर घूमेगी इधर से, इतने डाल भी देना, चिकन तेरा काम हो गया। अरे पर तूने कल चीज नहीं डालेगी, हम हमारी क्रिएटिविटी चतुराई कहाँ गई यार? हाँ अगर वो देख नहीं रहे तो वो डाल देगी, अगर वो देख रहे हैं तो ये डाल देगी। सिचुएशन पे तुम चिकन को डाल के उसको घुमा सकती हो? हाँ या ना, ये जवाब दो पहले, डू यू वॉन्ट टू डू इट? बाकी यू नीड अ कपड़े, या फाइन डन, चल लेट्स टेक द कपड़े। गुड डिगी, तेरा वाला कपड़ा कम ऑन डिगी, गुड गर्ल। वो बाहर ही पड़ा हुआ है। मैदा है, मैदा।